हम जानते थे कि तुम ना हमारे पास जरूर आओगे। हमें ये भी पता था कि तुम ना तुम निधि जी की बकवास से बिल्कुल यकीन नहीं करोगे। तुम से प्यार जो करते हो है ना, और फिर देखो ना ये सब लोग ना हमारा मजाक बना रहे, हम भी हंस रहे, हमें हमें भिखारी बोल रहे। तुम ना इनके मुंह में पैसे मार के इनकी औकातियां दिलवा दो, इनकी औकातियां दिलवा दोगे। ए हट, मेरे पति को गले क्यों लगा रही है? आपको तो बड़ा मजा आया होगा ना? तू चुप कर। ये लो पैसा और छुटकारा दो मुझे। पकड़ो। तू चल। मैंने इनको एंटीबायोटिक्स और पेनकिलर दे दिए। अब आप लोग प्लीज इन्हें रेस्ट करने दीजिए। डॉक्टर साहब, कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, मेडिसिन दीजिए, ही विल बी ऑल राइट। जी, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, निधि खड़ी क्यों है? बैठ जाना बेटा। एक बार तू साइकिल चलाने में गिर गया था, जरा सा घुटना छिला था, और हम वो साइकिल उठा के गोदाम में फेंक आए थे, और आज उस मक्कार पायल की वजह से तेरा तन और मन दोनों जख्मी है बेटा, और हम कुछ नहीं कर पा रहे बेटा। बहुत बड़ी गलती हो गई उस मकार पायल को समझने में, तुझसे भी और तेरी माँ से भी। बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने उस दिन उस निधि के बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। उसे तो ना उसी दिन मार देना चाहिए था, पर अब जो उस निधि ने रायता फैलाया उसे समेटे कैसे? करे तो करे क्या? पूरा दिन बीत गया पर कृष्ण का ना तो एक कॉल आया और ना ही एक मैसेज। लगता है हमने जितना सोचा था ना उतना गहरा रंग हमारे प्यार का कृष्ण पे चढ़ा नहीं। साहब साहब, खाना दीजिए साहब। साहब मुझे भी दीजिए। ओह गॉड, हम तो सच में महल से उतर कर सीधा सड़क पर आ गए। नहीं अम्मा, आप हमेशा हमसे ऊपर हैं। अच्छा, तो हमारी बात काहे नहीं मान रही थी तू? सारी अम्मा, निधि दीदी को यहाँ बुलाने का आपका फैसला बिल्कुल सही था, पर क्या करें, हम डर गए थे इसलिए उन्हें इन सब चीजों से दूर रखना चाहते थे बस। अरे चिंता मत कर बेटा, मत कर। जाको राखे साईया, मार सके ना कोई, भगवान है ना भगवान, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते। अम्मा कुछ नहीं अम्मा, बस कृष्णा जी का दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा है। दर्द तो तूने भी बहुत सहे है बहुरिया, बस तेरे जग किसी को दिखाई नहीं दे रहे। देख बहुरिया, तुम दोनों एक दूसरे का मरम बन, और फिर देखो ये दर्द है ना, ये कैसा फटाफट छूमंतर हो जाता है। कहा सम्मा ऐसा जल्दी से हो जाए। होगा होगा, बस तू कोशिश करती रहना, और फिर देख
कल का सूरज तेरी जिंदगी के लिए एक नई सी सुबह लेकर आएगा। अरे मम्मी, और कितनी बार सॉरी बोले, अब तो बात कर लो। क्यों बात करें हम तुमसे, हम तुम्हारे लगते ही कौन? हमारी प्यारी मम्मी। अच्छा, इसीलिए हमसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी। हमारी बेटी माँ बनने वाली है और हम ही को पता नहीं है। वाह रे, खोटा नसीब हमारा। नहीं माँ जी, माजी, आप बहुत किस्मत वाली हैं। तभी तो भगवान ने आपकी झोली में दुनिया की सारी खुशियां भर दी। और अगर जीवन में थोड़ी बहुत तकलीफ ना हो तो सुख का मजा कहाँ आता है, क्यों नहीं दीदी? दी बिल्कुल सही। मिला लो ना ताल से ताल, पर हमसे माफी की उम्मीद मत करना। मम्मी सारी माजी, वो परिस्थिति बहुत नाजुक थी। निधि दीदी बहुत डरी हुई थी, और सच तो ये है कि हम भी बहुत ज्यादा डर गए थे। पल्लू ने दीदी को धमकियां दे रही थी, वो कुछ भी कर सकती थी, किसी भी हद तक जा सकती थी। इसलिए निधि दीदी को यहाँ से जाना पड़ा और आप सबसे ये बात छुपानी पड़ी। हमें माफ कर दें। अरे इंदू, अब गुस्सा छोड़ भी दो। वो कहते हैं ना, जब अंत भला तो सब भला। अरे और नहीं तो क्या, अरे अब हम मामा बनने वाले हैं यार। एक अच्छी सी स्माइल तो करो। सच में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनसे पापा तो बना नहीं गया अभी तक, मामा बन के पता नहीं कौन सा अवार्ड ले लेंगे। कुछ बोली का? नहीं अम्मा। सच में बहुत खुशी का मौका, हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है माजी। इसलिए सारी बुरी बातों को भूल कर हमें खुशियां मनानी चाहिए, है कि नहीं? बिटिया, तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। देखो, अब बहुत जल्द निधि और दामाद जी माता पिता बनने वाले, और अम्मा हम बनने वाले हैं नाना। और हम पर नानी। बिल्कुल सही बात है अम्मा, और इसी खुशी में हम घर पर एक पार्टी रखना चाहते हैं। देखिए ना, कितने दिनों के बाद हमारे कृष्णा की जिंदगी से एक काला साया हट गया है, तो उत्सव मनाना तो बनता ही है। हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ, एकदम जबरदस्त पार्टी रखना बल्लू। और सुन लो, पार्टी में हर तरह के गाने बजने चाहिए। हाँ विक्रम, नए गाने बजाना। हाँ काहे, पुराना गाना सुनकर बुखार आ जाएगा क्या तुमको? नहीं अम्मा, नींद आ जाएगी। हम निक्कू को फोन लगाते हैं। हाँ हेलो, कृष्णा जी का फोन का ही बंद आ रहा है, अब हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? अलट पलट चलट, हम समझ गए कृष्णा जी कि आप तक हमें कैसे पहुंचना है।